नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम सी टू साइकिल भी कहते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं विच आर ऑटोट्रॉफिक, दे डू द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मे सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद इन देयर क्लोरोप्लास्ट। जितने भी दुनिया के पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। बहुत अधिकतर पौधे हमारी इस धरती पर जो पाए जाते हैं वो डार्क रिएक्शन करते हैं, C3 साइकिल करते हैं। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप लाइट डिपेंडेंट होती है, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और एसिमिलेटरी पावर का जनरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहलाती है, जो लाइट डिपेंडेंट होती है, जबकि दूसरी स्टेप जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने बनाया है ये केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। तो जितने भी पौधे होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, अधिकतर पौधे C3 साइकिल करते हैं। कुछ पौधे C3 साइकिल में, चूंकि इन्हें लॉस होने लगता है, आज इसी लॉस को हम पढ़ेंगे। C3 प्लांट दुनिया के जितने भी C3 पौधे हैं उनमें C3 साइकिल के साथ एक एक्स्ट्रा साइकिल चलती है और इस एक्स्ट्रा साइकिल का नाम है C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। इस केस में हम देखते क्या हैं, फोटो रेस्पिरेशन में तीन ऑर्गेनेल सेल के इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ हमने तीनों सेलुलर ऑर्गेनेल को आसपास बनाया है, क्योंकि इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से तीनों ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होंगे, तब ये C2 साइकिल को हम समझ पाएंगे, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में एबंडेंट एंजाइम जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसे कहते हैं रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसका मुख्य काम है कार्बोक्सीलेशन करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जो सबसे पहला एंजाइम इन्वॉल्व होता है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिबुलोज डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। RUDP ऑक्सीजिनेज इसी एंजाइम का दूसरा फॉर्म हम कह सकते हैं। कहने का मतलब RUDP कार्बोक्सीलेज एंजाइम, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ने की एफिनिटी रखता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन से भी जुड़ता है, यानी कि RUDP कार्बोक्सीलेज एंजाइम, ये एंजाइम डिप्लोमेटिक है। जब कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तब ये कार्बोक्सीलेज की तरह काम करता है, तब ये कार्बोक्सीलेशन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है। और जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तब अपनी प्रवृत्ति बदल देता है, तब इसके एक्टिव साइट पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। और ऐसे कंडीशन में इस एंजाइम को हम रिबुलोज डाइफॉस्फेट ऑक्सीजिनेज कहते हैं, यानी कि रुबिस्को एंजाइम हमें दो फॉर्म में दिखाई दिया, कार्बोक्सीलेज के रूप में और ऑक्सीजिनेज के रूप में। यहाँ हमें यह भी जानना होगा कि कार्बोक्सीलेज के रूप में यह एंजाइम
ज्यादा काम करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की प्रवृत्ति इसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। लेकिन यदि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब ये ऑक्सीजनेशन करने लगता है और एंजाइम का नाम होता है RUDP ऑक्सीजिनेज। हम मान लेते हैं कि सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस समय एटमॉस्फेयर में घट गया है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजिनेज की तरह काम करने लगेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। यानी ये 5 कार्बन का, यहाँ हम देखें रिबुलोज डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट विच इज द रॉ मटेरियल ऑफ द C3 साइकिल टू रन द केल्विन साइकिल। कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर C3 साइकिल में होता है रिबुलोज डाइफॉस्फेट। ये रिबुलोज डाइफॉस्फेट इस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और RUDP का यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है। रिडक्शन की जगह ये ऑक्सीडेशन कर देता है। यहाँ रिबुलोज को हम देखें तो ये कितने कार्बन का बना है, रिबुलोज 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। यहाँ बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इधर बन गया 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 कार्बन का कंपाउंड बना और जबकि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 + 2 = 5। यानी कि रिबुलोज डाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन हो गया 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल। तो जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ बन गया, यहाँ केल्विन साइकिल चलने लगी और यहाँ सुगर का फॉर्मेशन होने लगा। यही फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ C3 साइकिल चल रही है लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक अलग साइकिल भी और चलने लगी, एक्स्ट्रा साइकिल जो वेस्ट पुल साइकिल है। इसका हार्मफुल इफेक्ट अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कि एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद फिर ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। इस प्रक्रिया को यदि हम देखें 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये वाटर से रिएक्ट करेगा और बना देगा ग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पर जो फॉस्फो ग्रुप था ये फॉस्फोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा और 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिक एसिड। ये ग्लाइकोलिक एसिड अब क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज होकर पहुंच जाएगा पेरोक्सीसोम में। यहाँ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और एंजाइम होगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड पुनः कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में।
अब हम देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लायोक्साइलिक एसिड। ग्लायोक्साइलिक एसिड अब यहाँ पर दिखाएगा क्या, ट्रांसएमिनेशन की क्रिया। यहाँ पर होगी ट्रांसएमिनेशन की क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट ग्लायोक्साइलेट ट्रांसएमिनेज, और ट्रांसएमिनेज एंजाइम ने यहाँ पर कर दिया ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन वह प्रोसेस है जिससे नए नए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बना यहाँ पर, जिसका नाम ग्लाइसीन। अब ये ग्लाइसीन के दो मॉलिक्यूल, दिस इज टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसके पास दो कार्बन है। अब ये ग्लाइसीन कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अब ये एमिनो एसिड ग्लाइसीन के दो मॉलिक्यूल, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के पास होगा, दोनों आपस में कंडेंस करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब दो ग्लाइसीन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगी NH3 के रूप में। दूसरा हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यानी कि जब दो ग्लाइसीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर हो गया और बन गया यहाँ सेरीन। अब इस सेरीन को हम देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज हुई, क्या हुआ कि NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, इसने ग्लाइसीन से हाइड्रोजन लिया और खुद रिड्यूस होके बाहर आ गया। सेरीन जो यहाँ बना, ये सेरीन पुनः आ जाएगा परोक्सीसोम में। अब सेरीन रिएक्शन करेगा किससे, ग्लायोक्साइलिक एसिड से। यहाँ पर डीएमिनेशन की क्रिया हुई, डीएमिनेज एंजाइम काम करेगा जिसकी उपस्थिति में सेरीन रिएक्ट्स विद ग्लायोक्साइलिक एसिड और फॉर्मेशन कर देगा ग्लाइसीन का और हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड का। यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट के रूप में दो चीजें मिलेंगी, पुनः ग्लाइसीन बन गया और हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड बन गया। अब ये हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरिक एसिड पुनः क्लोरोप्लास्ट में आ गया। अब ग्लिसरिक एसिड ATP से रिएक्ट करेगा और एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लिसरिक एसिड से जुड़ जाएगा, ATP एडिनोसिन डाई फॉस्फेट के रूप में बाहर आ जाएगा, अपना एक फॉस्फेट इसको डोनेट कर देगा। ये फॉस्फेट जब ग्लिसरिक एसिड से जुड़ेगा तो फिर फॉर्मेशन हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि इतनी लंबी प्रोसेस पूरी करने के बाद फिर हमने देखा कि ग्लिसरिक एसिड फिर ये C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है रिबुलोज डाइफॉस्फेट का, इसका ऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक 3 कार्बन का जो C3 साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा 2 कार्बन का जो C2 साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पहला स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन का बना जिसे 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड C2 साइकिल। और यह C2 साइकिल ऐसे सभी पौधों की लीफ में पाया जाता है जिसमें जो C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट की मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ C2 साइकिल या फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है। जबकि C3 प्लांट की मेसोफिल सेल्स में एबंडेंटली रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, इसलिए ऐसे पौधों में C2 साइकिल भी साथ साथ चलती रहती है। आप सोचना होगा ये फोटोरेस्पिरेशन किस समय C3 पौधे करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है। C3 प्लांट C2 साइकिल
या फोटो रेस्पिरेशन उस समय दिखाने लगते हैं जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घट जाता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब इस तरीके का कंडीशन पौधे फेस करते हैं देन दे स्टार्टेड द फोटो रेस्पिरेशन। आशा करती हूँ आपको फोटो रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। फोटो रेस्पिरेशन में सेल के तीन ऑर्गेनेल साथ में काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, परोक्षिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ C3 साइकिल भी चल रही होती है, साथ ही साथ C2 साइकिल भी चल रही होती है और C2 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। तो वेस्टफुल प्रोसेस के रूप में हम इसे जानते हैं जो C3 पौधों में हमको दिखाई देता है। अब मैं चाहूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब एग्जाम में आए तो इसे आप अच्छी तरीके से ड्रा करके एक्सप्लेन कर सको। थैंक यू।